Welcome to Time News Studios. You are watching 10 PM Bulletin. अली जैदी साहब ने दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरमाया कि तीन GIT बनी। पहली रिपोर्ट पर किसी ने दस्तखत नहीं किया। अब सवाल ये उठता है कि किसी ने दस्तखत नहीं किया तो डॉक्यूमेंट आया कहाँ से है? वो डॉक्यूमेंट किसने दिया है उनको? कौन लोग हैं जो अली जैदी साहब को ये कागजात दे रहे हैं? क्या अली जैदी साहब खुद कहीं से क्रिएट कर रहे हैं? कौन उनको दे रहा है? इन सवालात के जवाब अली जैदी साहब ने अनफॉर्चुनेटली आज की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिए। शायद उनका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं, लेकिन उनके दिमागी तवाजुन का फैसला कोई साइकेट्रिस्ट नहीं करेगा ना, कोई मेडिकल बोर्ड करेगा। सिंध सरकार के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब चाहिए है अली जैदी चवे तो असल GIT उन वट है तो किथां ही है, कड़ा मानू आन जी खेस अड़ा दस्तावेज दे रहा है। मुर्तज़ा वहाब एक वफाकी वजीर गैर तस्दीक थियल कागज असेंबली में डेखारे सके तो माजी में भी सियासी लीडरशिप के बदनाम करने लाए अड़े किस्म जहा खोड़ कागज ठया। अली जैदी जो दिमागी तवासुन ठीक ना है, वो बुधाए तो GIT रिपोर्ट उन लैपटॉप से ठाही जैसे कें सही ना है। सरकारी दस्तावेजन से सही या मोहर लगन होंगी है। कादिर पटेल चाहिए अली जैदी वफाक सूबन विच में विचोटियों पैदा न करे, PTI के तनकीद पसंद ना है। पीपल्स पार्टी MNA चाहिए उन्होंने सभी के केस में शामिल कर जिनजू उजैर बलोच से तस्वीरों निकल हैं। उजैर बलोच से शाहिद अफरीदी, मौलाना तारिक जमील, अयाज लतीफ अली जो, मारवी मेमन और बियन जो तस्वीरों वे हैं। कादिर पटेल चाहिए सोशल मीडिया से गर्दिश कर GIT रिपोर्ट्स में भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा जो नालो भी शामिल है। वहां खड्डे से लेके पहाड़ी तक की सबकी GIT बनी। आपको तो मुल्क और कराची का बड़ा दर्द था, आप किसी पत्थर पहाड़ी की GIT का भी जिक्र करते। उजैर की तस्वीरें का जी इनके साथ है, मौलाना तारिक जमील के साथ भी, उसको भी केस में डालो GIT। शाहिद आफरीदी साहब को भी लिया, मारवी मेमन साहब भी आपको मिल जाएंगे, अयाज लतीफ पलीजो भी आपको मिल जाएंगे, ये सबको भी डालो। वो जो ज्यादा सफात वो भी व्हाट्सएप पे इधर उधर आज घूम रहे, उसमें सानिया मिर्जा का नाम भी है, वो जो के उसकी बीवी है क्रिकेटर की शोएबा, तो क्या अभी उसको भी केस में हम लोग डालेंगे? अली जैदी साहब, आज आपने एक इम्पोर्टेंट बात की कि सिंध गवर्नमेंट के अंडर जो ऑफिसर आते थे उन्होंने दस्तखत नहीं किए। मैं जब पाकिस्तान आया हूं लंदन से तो वफाकी इदारों के खत पे आया हूं, और मैं दौरान तफ्तीश 2 दिन सिंध गवर्नमेंट का कोई भी आदमी वहां नहीं था, सारे वफाक के इदारों ने मुझसे तहकीकात की और उसके बाद में क्लियर हुआ हूं। अब आप क्या कहेंगे मुझे बताएं? मैं आज अपील करने लगा हूं द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हाथ जोड़ के चीफ जस्टिस साहब, 184(3) के तहत आज आप सुओ मोटो लें इसके ऊपर, और ये सारी GIT मुझसे भी मांगे, उनसे भी मांगे, और जिन जिन लोगों ने इस पे साइन किया है उनको बुलाएं कोर्ट में और उनसे पूछें कि ये तुम्हारे सिग्नेचर हैं और इस GIT में ये चीजें क्यों थी। सिंध सरकार उजैर बलोच बाबत GIT जो असल शयूं लिकाए छन। वफाकी वजीर अली जैदी चाहिए तो सिंध हुकूमत असल GIT रिपोर्ट जारी ना कई। असल रिपोर्ट में सियासी लागापन जो जिक्र है। रिपोर्ट में फरियाल तालपुर, कादिर पटेल, शर्जील मेमन, यूसुफ बलोच, जुल्फकार मिर्जा, निसार मुराय के नाला। वफाकी वजीर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पान मुरादो नोटिस वन की अपील करें तो सुप्रीम कोर्ट सिंध सरकार मुखा GIT रिपोर्ट्स घुराए, GIT के मेंबर्स के अदालत तलब किया वे तो जी असल हकीकतों पदरियों थी वन। उजैर बलोच बाबत जांच दौरान PP हुकूमत और GIT मेंबर्स में डेडलॉक पैदा थी वो हो। उनका MI, ISI और रेंजर्स के ऑफिसर्स पैंजू सहयू करे रिपोर्ट माने चली। पहले 6 नाम जिसमें से एक नाम डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा का भी है, फरियाल तालपुर साहबा का भी है, अब्दुल कादिर पटेल साहब का भी है, डॉक्टर निसार मुराई का भी है, सेनेटर यूसुफ बलोच का भी है और शर्जील मेमन का भी। ये भी लिखा है कि जुल्फकार मिर्जा साहब के इस्तीफे के बाद जब मामला बिगड़ गए तो शर्जील मेमन और उजैर मुजफ्फर टप्पी सारे काम मुझसे करवाते रहे, ये लिखा है इसमें। उसके बाद उन्होंने कहा मुझे खदशा है कि इन इंकशाफात के बाद मुझे और मेरे घर वालों को जान से मार दिया जाएगा,
क्योंकि मुझे आसिफ जरदारी और दीगर सियासी लोग बशमूर जिनका जिक्र मैंने अपने बयान में कहा है उनसे इंतकामी कार्रवाई का खतरा है। ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा जा पीपल्स पार्टी सा मामला खराब थे बाद सूबाई वजीर शर्जिल मेमण अवेस मुजफ्फर लियारी के एक पार्च मुकरदार उसैर बलोच का कम कराइंदा हुआ। वफाकी वजीर अली जैदी जे आई टी जो हवालों डींदे है तो शर्जिल मेमण सूदो छजड़ा उसैर बलोच जहाँ सहूलतकार हुआ। सिंध सरकार की जे आई टी में सहूलतकार जो नाला लिखाया पाया। उसैर बलोच हल्फी बयान में तहफ़ की अपील कदे अड़ा इंकशाफ कर बाद आसिफ जरदारी शर्जिल मेमण सूदो जिन मानून जो रिपोर्ट में जिक्र थियल है वे केस इंतकाम जो निशानो बढ़ाइंदा। सिंध जहा हुकुमरान चोर आन वफाक हुकूमत में नाहल मू वेठल जी आवाम के रिलीफ ना दई सकन। वफाक सरकार बार हवा कई वही है जी सजो ढी डुग डुगी वजाई था। जी डी ए अखबारों सरदार रहीम नुसरत सर अब्बासी इरफान उल्ला मरवची कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस सरदार रहीम तो पेट्रोल अटो सस्तो थन था तो वे अणलब थी था वन महंगाई थन्दे ही उन शो जखीरो सामूँ अची वे तो। इरफान उल्ला मरवच तो वफाक हुकूमत जहाँ इतिहादी जरूर आयु पर उन निकाह थल ना इतिहाद खत्म भी सके तो। नुसरत सर अब्बासी तो वरे वजीर के जैसे रुगो गालिब की शायरी बुधानी है तो खेस वरी वजारत वेहण जो को हक ना है। वरे वजीर सेहत वाली वजीर के तकन में वही अस्पताल जहाँ दौरा कर सब कुछ वायको कदासी। जे यू आई सरबराह मौलाना फजल रहमान है जी मू इमरान खान के इकदार में वी आया हाँ उ संदस नाकामी से खेस घर भेड़ो करण की तैयारी कर रहा है। हुकूमत की बेड़ी बुडंदे नजर अचे पी बेहतर है तो हुकुमरान पान घर हलिया वन। हैदराबाद में मीडिया से ाले मौलाना फजल रहमान तो मुल्क मुआशी बहरान जो शिकार है बेहतरी की का उम्मीद नजर नी अचे। एपीसी में शिरकत लाए सभी जमात के सरबराह के दावत दी वही है अहम मसलन से मुशावरत कई वी। वफाकी सरकार जाली लाइसेंस रखंदड़ पी आई ए के 28 पायलट्स के बरतरफ कर छोड़ो। वफाकी काबीना के इजलास दौरान पी आई ए सरबराह एयर मार्शल अरशद मलिक के 3 साल ताई उहदे ते रहण की भी मंजूरी दई छी जैं तहत अरशद मलिक एयरफोर्स में रिटायर थियण का पोए भी पी आई ए जो चीफ एग्जीक्यूटिव रहंदो। वफाकी वजीर शिबली फराज चयो त समूरा शकी लाइसेंस पीपल्स पार्टी नू लीग के दौर में जारी थिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट मुल्क के गादी वाले शहर में मंदिर के दावत खिलाफ दाखिल दरख्वास्तों गैर असरायतियों करार दींदे रद्द कर छड़ियों। इस्लामाबाद के मास्टर प्लान में मंदिर लाए जगह मुख्तस न होने एतराज पर रद्द। अदालत महफूज थियल फैसलो बुधाईंदे है तो हुकूमत अजा ताई मंदिर लाए फंड्स ही जारी ना कया। सी डी ए अजा ताई बिल्डिंग प्लान की मंजूरी ना दिनी। अदालत है तो सी डी ए के कायदन इजाफ्तन का सवाए दावत नी सके। अदालत अडो इन मामले में मुदाखलत जो को बुनियाद मौजूद ना। अगूणे सदर आसिफ अली जरदारी जहाँ तोशा खान रेफरेंस में गिरफ्तारी वारंट जारी। अगूणे वजीर आसम नवाज शरीफ की तलबी जो इश्तिहार अदालती अहाते में लगाया वो। इश्तिहार में लिखो वो है तो नवाज शरीफ तोशा खान रेफरेंस से जवाब दिन लाए 17 अगस्त पेश थे। अदालत ने खेस इश्तिहारी डोहारी करार दिन के हवाले से कार्रवाई जारी है। इस्लामाबाद के एहसाब अदालत तोशा खान रेफरेंस में आसिफ जरदारी खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का हुक्म दिनों हो। सिंध में कातिल वायरस कोरोना वधिक 42 मानुन का हयातू खसे वरतियों। 1388 नवा केस सामू अची वाया। सूबे में फौत कलन जो अंग 1614 थी वो। मुतासर जो अंग 97,626 थी वो। अज 821 मरीज कोरोना के शिकस्त दे सेहतियाब थी वाया। वे वजीर मुराद अली शाह कोरोना सूरत हाल के बयान जारी करते है तो कराची में कोरोना 629 नवा केस सामू आया। खैरपुर में 86, हैदराबाद में 69, उमरकोट सांगड़ में 66, शहीद वनजराबाद में 64, सखर में 48, कश्मीर में 41, बदीन में 39, यामशोरों में 77, नौशहरा फिरोज में 27, मटियारी और मीरपुर खास में 16 केसिस रिपोर्ट। सिंध में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के कारोबार के इंकशाफ एफआईए जो कराची हैदराबाद में कार्रवाई। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के कारोबार में मुलविस होने के इल्ज़ाम में जवाबदार गिरफ्तार। एफआईए अख्तियार चवना है तो इंटरपोल वॉशिंगटन में जान हासिल करने बाद जवाबदार की गिरफ्तारी लाइ टीमू जोड़ी व्यू। गिरफ्तार जवाबदार फराज और वकार वटा फहिश वीडियोज हथायन। जवाबदार परदे में हलदड़ फहिश कारोबार में भी मुलविस।
संजोरो आई मिठियाणी में लिंग कांडारी दड़बा क्या संजोरो में घर अंदर औरत बाला खूह में किरी फौत थी विया फौत में चार साल जो असदुल्ला चना पंज वरन की नीगरी बेबुल चना संदस चाची शामिल मिठियाणी भरसा सिंधु दरिया में विझंदे टे नीगरियों बुड़ी व्यू फौती नीगरियन में दहन वरन की साइमा अठन वरन की सना अठन वरन की हिना शामिल बिन्हीं वाक्य बाद मुतासिन के घर में कोराम मची वो सिंध के मुख्तलिफ़ इलाक़न में वक्फे से बरसात जारी हैदराबाद में हल्की बरसात का गर्मी जो जोर टुटी वो मौसम खुशगवार कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़न में बे ढी हल्की बरसात गुजली तेज बरसात पवन सबब हेठा इलाक़न तोड़े रस्तन से बीठल पानी निकाल नहीं सको आवाम परेशान लोकल गवर्नमेंट खातो महमूदाबाद सूदो बन इलाक़न का नाला साफ न कराया डायरेक्टर मौसमियात मोची मौजूदा बरसात सिलसिलो सुभाने ताई जारी रहो चौमासे के बरसात जो सिलसिलो खत्म थियण बाद जुलाई महीने का बरसात पवन जो इम्कान है सिंध में कोरोना की मकामी सतह से तेजी से मुंतकली मलीर में 129 नवा केस रिपोर्ट सांगर में 76 जैकबाद में 24 थरपारकर में 17 नवा केस जाहिर नवाबशाह के टिन बाजार के सील कर हुकुम बदीन जिले जा मुख्तलिफ 15 इलाका सील कर हिदायत जारी कड़ो गवर शहर में 15 दिन लाइ मुकम्मल लॉकडाउन जो फैसलो कनकोट वेझो भंगवार बिरादरी के बिंदुरन में खूनी झेड़ो पी पुट समेत टे जणा मारी विया चार जख्मी वाक्य बाद मकतूलन के वारसन जो इंडस हाईवे से धरणो मारी वेलन में अब्दुलरऊफ भंगवार संदस पी नजीर भंगवार शबीर भंगवार शामिल जख्मी नासुक हालत में लाड़काने मुंतकिल गड़ी खेरो भरसा गोट मोहम्मद खान जमाली में कारें इल्जाम नारी नौजवान कतल जवाबदार फकीर मोहम्मद बिरोही पेंजी धी सोबिया नौजवान साबिर जमाली के गोलियों हणी कतल कयो नवाबशाह पुलिस अस्पताल में अगवा जाना अल्ताज़ जावल बारड़े के 12 कलाकन का पोए हथ करे वरतो एक औरत गिरफ्तार पुलिस मौजूद जवाबदार औरत फौजिया कुरैशी भी बार की माँ होने की दावा कर रही हुई पर संदस निशानदही कल अस्पताल सामिया तरफा तरदीद कर बाद बार के असल माँ सैयदा गुड़ी हवाले किया जवाबदार औरत फौजिया कुरैशी के लॉकअप किया वो है बार की माँ सैयदा गुड़ी जो इल्ज़ाम है तो फौजिया कुरैशी टुको हराने बहाने बार के अगवा कर खड़ी वही हुई आई सिंध की भलोल फनकारा माई भागी के मदाहन का विछड़े चोटी वरिया वे हामी पाया पर संदस आवाज अज भी आवाम के दिलन से राज करे तो थर में जन्म वठंदड़ माई भागी सिंधी और मारवाड़ी बोली में कलाम गाय शोहरत माणी माई भागी के 1981 में सदारती अवार्ड से नवाजो वो हो संदस वर्सी के मौके से सरकारी सतह से का भी तकरीब मुनद न कई वही अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन शाहिद सियाल हेडलाइंस माने चूं बुलेटिन की शुरुआत कयूं था शॉर्ट ब्रेक का